केंद्र सरकार आज वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर दोपहर 3 बजे साउथ ब्लॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर सकते हैं। विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि योजना का प्रारूप तैयार है। सरकार ने 2013 को पेंशन के लिए आधार वर्ष बनाया है। इस पर अमल की तिथि जुलाई 2014 तय की गई है। सूत्रों ने बताया कि इन दोनों मुद्दों पर सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन पेंशन के पुनरीक्षण की अवधि पर फंसा हुआ है। सरकार हर 5 साल में ये करना चाहती है, लेकिन पूर्व सैनिक इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार का अनुमान है कि वन रैंक वन पेंशन का एरियर देने में सरकारी खजाने पर 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पिछली सरकार ने 2014 के बजट में इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन इस पर 8 से 10 हजार करोड़ खर्च होंगे, जिसमें भविष्य में बढ़ोतरी भी होगी। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विस में जिसके नीचे 40 ऑर्गेनाइजेशन आती है, उनको बोर्ड पे नहीं लिया गया, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जहां तक आप 5 साल की बात करते हैं, जो वेरी डेफिनेशन होती है ओआरओपी की, जो पार्लियामेंट ने पास करी हुई है, उसके साथ वो मेल नहीं खाती। ये वन रैंक वन पेंशन ना होके वन रैंक 5 पेंशन हो जाता है या मल्टीपल पेंशन हो जाता है, शॉर्ट आउट होता है, उस पर सहमति बनती है तो ठीक है, और अगर नहीं। ऑफ द रिले हंगर स्ट्राइक एंड आवर एजिटेशन पूरे देश भर में फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन। आज हमें आपसे ये कहना है कि कुछ संकेत हमें मिले हैं, सरकार शायद मन बना रही है वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। 11:30 बजे आज रक्षा मंत्री जी से हमारी टीम की डेलीगेशन की मीटिंग होने वाली है। हम जाएंगे और जो कल आप लोगों ने हमें सिलेक्टिव लीक दिया है कि गवर्नमेंट ये देना चाहती है, हमने उसके ऊपर बातचीत भी सोच विचार किया है। हम पूरे खुले माइंड से डिफेंस मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं और उनकी बात सुनकर हम आगे का जो भी डिसीजन है वो लेंगे और आप सबको बता देंगे। हमारा अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे 1 बजे होगा, 1 PM वी विल अगेन कम बैक, या अगर कोई देरी हो जाती है तो आफ्टर द अनाउंसमेंट हम आपको, जब अनाउंसमेंट कर देते हैं डिफेंस मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट, उसके 1 घंटे के बाद हम फिर यहां पे मीटिंग कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम जो कल आया है एक मुद्दा जो बहुत जरूरी है वो ये है कि ऐसे लगा कि जिन सैनिकों ने वीआरएस लिया है, मतलब अपनी पूरी टर्म्स करने के बाद वो पेंशन पे आ गए हैं, जब उनको पेंशन मिल रही है तो ओआरओपी उसे मिलेगी। गवर्नमेंट ऐसा अनाउंसमेंट सोच रही है, उसमें जो कल आपको हमें इंफॉर्मेशन मिली जो आपके थ्रू, कि जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और पेंशन मिलता है उनको वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं होगा, ये बिल्कुल नामंजूर है भाई। स्टेट में हम उसको टोटली रिजेक्ट करते हैं और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे हर जगह पे कि वो बिल्कुल ऐसा ना हो। जो वॉलंटरी पेंशन आ गया है उसको पेंशन मिलती है तो पेंशन तभी कहलाई जाएगी वन रैंक वन पेंशन, जो भी पेंशनर है सबको लागू होगा। दूसरा, ये जो वन रैंक वन पेंशन है ये फैमिली पेंशनर्स को भी लागू होगा। तीसरा, जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको भी वन रैंक वन पेंशन लागू होगा। ये 3 चीजें
नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि यही एक धार है वन रैंक वन पेंशन का। तीसरी बात, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर सरकार मान लेती है और अगर उसमें कोई डिस्कशन हमारे से करती है तो हम उसके लिए ओपन है। हम उनकी बात सुनकर फिर डिस्कशन के बाद आपके पास फिर आ जाएंगे। हमें अभी तक के लिए सिर्फ यही कहना है। देखिए, उसके बारे में सुनकर वो कॉन्सेप्ट अगर मीट होता है तो वो सोचा जा सकता है, अगर कॉन्सेप्ट उसको मीट नहीं होता तो हम उसके लिए लड़ेंगे और रिजेक्ट करेंगे। देखिए, पांच साल में या एक साल में या दो साल में, हमने अभी बोला है कि अगर कॉन्सेप्ट मीट होता है जो भी सरकार अनाउंस करती है तो हमें मंजूर होगा, अगर कॉन्सेप्ट मीट नहीं होता तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। एनुअल रिवीजन के बारे में आप क्या कहेंगे? जो डेफिनेशन है उसमें ये लिखा है कि जब जब दर बढ़ेगी वो दर पास कर दी जाएगी सभी पिछले पेंशनर्स को, तो हिसाब से जब वो पेंशन बढ़ती है वो पास होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा पीरियड वो बताते हैं जिस पीरियड से जो हमारे जूनियर को सीनियर से ज्यादा पेंशन नहीं मिलता, तो वो पीरियड में अगर रिव्यू करते हैं तो सरकार ने देखना है, हमने देखना है कि क्या सरकार थोड़े से पैसे बचाकर अगर इतने बड़े वर्ग को वो नाराज करती है या इनजस्टिस है, तो वो फिर सरकार को सोचना होगा और हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या उसके बारे में हमने आगे कहां तक अपने आंदोलन को ले जाना है। आपसे गुजारिश है कि अभी तक यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जैसे सरकार से और ब्यौरा आता है उसका विश्लेषण करके हम फिर आपके पास आएंगे। Yes. Is that, does it mean that you are willing to consider equalization or revision of pension every 5 years if this condition is met? This condition after 5 years cannot be met. After, but within 5 years. Within 5 years, anything. It has to be done every year. From us, it has to be done every Instantly. Year. Right? अगर सरकार कोई और ऐसा हमें टाइम फ्रेम बताती है जिससे जूनियर कभी भी सीनियर से ज्यादा पेंशन नहीं लेता तो हम उसको सोच विचार करने के लिए तैयार हैं। But so you just said that equalization of pension happens 5 years and still that